it's not easy for any team come here and you know uh, we just try to give our best i think uh, uh, as a team we you know we just trying to uh, our mind is world cup and for world cup we just uh, uh, checking out every spot for every player and that's why we give it to chance to youngster i think we uh, on that process and uh, today game is very important for us i think so as a team uh, we need that uh, to you know as a, as a unit to step step forward, so I think that was a great game for us. Yeah, I think uh, first four game uh, we a uh, lot of collapse. Uh, you know, your fielding unit is a bowling unit is a batting unit, but uh, I think uh, today uh, players showed that, and I think as a unit uh, everyone play, and I think that was uh, uh, as a team. I think that was we we need uh, that win. I think all five games and uh, uh, they they come in.

आपको एकदम स्ट्रेट हुए रिजल्ट किसी चीज़ के नहीं मिलते आपको ऑफ कोर्स चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होती है आपको यू नो अगर आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा पहले ऐसी कंडीशन पे आके ऐसे बॉलर्स को फेस करना तो ये देखे हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे हम यही कोशिश कर रहे थे कि यार क्या हम बेहतर कर सकते हैं टीम के लिए कि जब हम इंग्लैंड जाएंगे हमारे लिए सारी चीज़ें प्रॉपर हो कि यार ये स्लॉट किसके लिए है तो हमने सिर्फ वो ट्राई किया आज भी आप देखिए अगर हमने सीबुल्ला का मौका दिया तो हमारा यही था कि यार इस बच्चे को मौका मिले इसको भी वो कॉन्फिडेंट मिले कि यार आगे जाके अगर वो आ, पाकिस्तान में होम सीरीज है हमारी उसमें परफॉर्म कर करें फिर हम वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे तो हमारे लिए एक पूरा सा सानैर बन जाएगा कि यार कौन किस नंबर पे स्टेबल है कल कोई ऐसा ना हो कि कोई इंजर्ड हो गया किसी की परफॉर्मेंस डाउन है तो हम पहले से क्लियर होना चाहते हैं कि यार हमारी टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है देखिए आबाद सफरीदी का मैं कहूँगा बहुत अच्छा फील्डर भी है बहुत अच्छा बैट्समैन है और बॉलिंग तो उसकी है ही अच्छी उसकी वजह से आई थिंक बॉलिंग यूनिट में और स्टेबिलिटी आ सकती है और वो एक ऐसा बच्चा है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे गेम मिले और मैं अपना बेस्ट दूँ तो आज भी अगर वो बैटिंग में गया आप देख सकते हैं उसने कैसे आ, हिट किए तो आब्बास अफरीदी पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है साई मयूब स्टिल उसने वो परफॉर्म नहीं की लेकिन उस बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है हम सारे पाकिस्तान के लिए सोचते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इधर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या कोई ऐसा मैनेजमेंट का बंदा नहीं है कि जिसके दिल में हो कि यार पाकिस्तान हार जाए उसको नुकसान हो जाए सब इधर हम जीत के लिए हैं। उसमें कभी कभी आपको जैसे मैंने कहा आपको एकदम कोई जीत नहीं मिल सकती एकदम आपको कुछ चीज़ नहीं मिल सा कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें को नहीं होती है और आई थिंक हम ऐसा यूनिट हमने कोशिश की है कि किसी क्या किसको क्या बेहतर मौका दे सकते हैं सबसे इंडिविजुअली ग्रुप में सबसे क्लैरिटी के साथ बात हुई है कि यार क्या आपके लिए बेहतर है उनसे मशवरा लिया है सबका मशवरे की वजह से ही हमारे जो प्लेइंग एलेवन थे हर गेम में वैसे ही खिलाया अगर आप उसमें ग्राउंड में भी दे के हमारे मशवरे के साथ ही चीज़ें हुई है ऐसे नहीं कि एक शहीन अफरीदी का मशवरा था उसने सब कुछ किया नहीं या एक रिजवान का था नहीं हम सब ने एज अ टीम हमारी कोशिश ये थी कि हम एज अ टीम लेके चले सारी चीज़ें कुछ चीज़ें उसमें अच्छी नहीं थी कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी हम कोशिश करेंगे कि वो हम आगे लेके जाएं हाफीज भाई हाफीज भाई ऑलवेज़ पहले तो ये कि वो जब मैं एज़ अ प्लेयर खेल रहा था हाफीज भाई के साथ हमेशा यंग को वो सपोर्ट करते हैं और हाफीज भाई ने हमेशा ही इस टीम को अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की अगर प्रैक्टिस किसी को एक्स्ट्रा चाहिए अगर कोई भी किसी से परफॉर्मेंस नहीं है ऑलवेज़ हफीज़ भाई उसके कंधे पर हाथ रख के उसको बैक कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ऐसे बंदे चाहिए टीम में कि वो हमेशा आपको बैक करें क्योंकि जीत में तो सारे कहते हैं जीत गए लेकिन जब हार जाए तो उस टाइम आपको अगर बैक करने वाला हो तो फिर ही आप स्ट्रांग बनते देखिए अगर आप कह रहे हैं कि उस टूर से हमें कोई नहीं मिला हमें उस टूर से हमें सैम मिला उस टूर से हमें सानोला मिला उस टूर से हमें जमान खान मिला अगर जमान केला है पाके, वो, पी एस एल वगैरह एसानोला केला है साम केला है लेकिन इंटरनेशनल का अपना एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल का अपना प्रेशर होता है उन बच्चों ने उधर खेला उन बच्चों ने इधर खेला ये आ, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा एकदम आपको किसी चीज़ के भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे आपको दुनिया में किस चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है एक सीढ़ी चढ़ने के लिए एक रूम चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी अच्छा ही होती है स्टेप बाय स्टेप आप डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकते तो यही एक प्रोसेस होता है कि आप टीम को खिलाएं अगर वो सेलेक्ट भी नहीं हुए तो ये आपका एक बेंच होता है कि आपका अगर खुदा ना ख्वासा कोई इंजर्ड हो गया तो आपके लिए डायरेक्ट अवेलेबल होता है पाकिस्तान की प्लेंग इलेवन में तो ये सब का सिनेरियो का मतलब है कि हमारे पास प्लेयर अवेलेबल भी हो जिसको अगर फिर हम चाहे कि यार ये बेस्ट प्लेयर है तो उसको हम उधर से ले लें कि टीम में कॉम्बिनेशन के लिए आसान हो फिटिंग होना स्ट्रगलिंग तो हमने किया ये तो मैं कहूँगा कि हमने स्ट्रगलिंग किया ऐसे नहीं है कि यार आ, डायरेक्ट किया कोई ऐसा प्लेयर कि उसने अच्छा किया है कुछ ने अच्छे किए कुछ ने बुरा किया लेकिन ये हर प्लेयर पे आता है ये टाइम लेकिन एज ए यूनिट हम अच्छी चीज़ें अगर हम मेंशन करेंगे तो उसमें हमारे लिए फ़ायदा है आ, कुछ मैचों में हारिस अच्छा नहीं आया कुछ मैचों में मैच अच्छा नहीं आया कुछ मैच में अब्बास अच्छा नहीं आ रहा लेकिन ये अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन uh, को देखेंगे नहीं स्टेप बाई स्टेप तो आप सक्सेस नहीं आ सकते देखिए अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐज आ प्लेयर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ मैं अगर कुछ कोई मुझे एज आ प्लेयर मशवरा मांगते हैं मैं उसमें भी देता हूँ या फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स के साथ दोस्त की तरह रहूँ जब आप कैप्टन नहीं होते तो आप अपनी चीज़ में न होते हैं लेकिन इसमें यह होता है कि आप सारे प्लेयर्स को एक रखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि किसी के साथ अच्छी बात करूँ उसकी परफॉर्मेंस में अगर अच्छा हो सकता है तो वो करूँ मेरा ये है कि ये एक फैमिली है अगर जब तक जब तक इस फैमिली में है तो सबको एक यूनिटी की तरह रखें देखिए आपको अगर इसमें अगर शहीीन अफरीदी कहेगा कि मुझे पुराना बॉल चाहिए अगर जमान कहेगा कि मुझे पुराना बॉल चाहिए तो ऐसे तो फिर टीम नहीं चलती आपको इस टीम में रहने के लिए आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा आपको किसी यंगस्टर पे प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते है कि स्टेट ऑफ आके उसको नया बॉल या कुछ सीनियर प्लेयर्स को इसमें स्टेप अप करना पड़ेगा हर सिचुएशन में कि जूनियर जो है जो नए बच्चे हैं उनको आप ईजी रखें सीनियर्स को ये इस टाइम इस टीम को बिल्डअप करना पड़ेगा कि यार कैसे बिल्डअप करना है आई थिंक हारिस बहुत अच्छे बॉलिंग करता है वन दो एक दो और में ऐसा हो जाता है कि उसको थोड़ा सा रंस पड़ जाते हैं बट हारिस स्टिल इज द बेस्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान वाइट बॉल